नमस्कार किसान साथियों, मैं विजय और आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इनोवेटिव फार्मर्स पर। किसान साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रबी की फसलों की कटाई की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश भर में सरसों और चने की काफ़ी बुवाई हुई है, तो इसलिए प्रदेश सरकार ने सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। कोटा संभाग में अधिक पैदावार होने के कारण 15 मार्च से सरसों की खरीद और 25 मार्च से चने की खरीद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसकी खरीद के लिए किसानों को किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए किस प्रकार की प्रक्रियाएं होगी और उसमें कौन कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंगना ने बताया कि किसानों के 8,50,275 मैट्रिक टन सरसों तथा 4,17,575 मैट्रिक टन चना की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सरसों 4,200 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना 4,620 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद की जाएगी। सरसों और चना की खरीद के लिए राजफेड द्वारा 455 केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए किसानों के आसपास सहकारी समितियों में भी इसके केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सरसों के लिए 246 तथा चने के लिए 209 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरसों और चने की उत्पादकता को देखते हुए श्री गंगानगर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़, टोंक और नागौर जिलों में सर्वाधिक केंद्र खोले गए हैं। इस खरीद का लक्ष्य प्रत्येक केंद्र पर 90 दिनों का लक्ष्य रखा गया है, जहां 90 दिनों तक किसानों की फसलों की खरीद होगी। अब बात करते हैं कि किसानों को किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी। कोटा संभाग में 7 मार्च से एवं अन्य संभागों में 13 मार्च से पंजीयन इसका प्रारंभ होगा। किसान पंजीयन के लिए आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, गिरदावरी, बैंक पासबुक की प्रति, नज़दीकी ई मित्र केंद्र या खरीद केंद्र पर ले जाएं। आधार के माध्यम से किसान बायोमेट्रिक सत्यापन एवं आवश्यक जानकारी अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन होने पर किसान के पंजीकृत मोबाइल पर जींस की मात्रा एवं तुलाई दिनांक की SMS द्वारा सूचना मिलेगी। किसान निर्धारित दिनांक को खरीद केंद्र पर जाएं और अपनी उपज की तुलवाई कराएं। उपज की राशि किसान साथियों को उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बात करते हैं कि किन जिलों में KVS के किन केंद्रों पर तुलाई की प्रक्रिया होगी और कौन कौन सी फसलों की तुलाई होगी। बात करते हैं भीलवाड़ा जिले की, तो भीलवाड़ा में सरसों एवं चना की जींस हैं। शाहपुरा में सरसों एवं चना, गुलाबपुरा में सरसों एवं चना, जहाजपुर में सरसों एवं चना, मांडालगढ़, बिजोलिया, कछोला में भी सरसों एवं चना, कोटड़ी सरसों एवं चना, गंगापुर सरसों एवं चना, आसिंद सरसों एवं चना, मांडल सरसों एवं चना, बनेड़ा सरसों एवं चना, रायपुर सरसों एवं चना। अब बात करते हैं जिला चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ में बेगू के खरीद केंद्र पर सरसों एवं चना, बड़ी सादड़ी के केंद्र पर सरसों एवं चना, निम्बाड़ा केंद्र पर सरसों एवं चना, चित्तौड़गढ़ प्रॉपर में सरसों एवं चना, कपासन में भी सरसों एवं चना। बात करें प्रतापगढ़ जिले की, तो प्रॉपर प्रतापगढ़ में सरसों एवं चना, छोटी सादड़ी में सरसों एवं चना, अरनोद में भी सरसों एवं चना। इसी के साथ अन्य किसी जिले की केंद्रों की सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। किसान साथी, अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800180600001 पर कॉल करें। किसान साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसकी सूचना मिल सके और किसान साथी इसका लाभ उठा सके।